हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डॉक्टर सौरभ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में जानकारी दूंगा दोस्तों हाइड्रोसेफलस के बारे में। हाइड्रोसेफलस यानी दिमाग में आपके सिर में पानी जब इकट्ठा हो जाता है, जब आपके सिर में पानी भर आता है, तब आपको इफेक्टेड होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए और बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के आप अपने हाइड्रोसेफलस की समस्या से, दिमाग में पानी भर जाने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आपको बताऊंगा हाइड्रोसेफलस क्या अधिकतर बच्चों को होता है, क्या यह समस्या बच्चों को ही देखी जाती है, इसके बारे में आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको बताऊंगा इफेक्टेड मेडिसिन और आपको दोस्तों इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में आज आपको बताऊंगा, होने का कारण बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हाइड्रोसेफलस जो एक गंभीर खतरनाक बीमारी है, दोस्तों यह गंभीर और खतरनाक बीमारी तब हो जाती है जब आप इसका समय रहते इलाज नहीं लेते हैं, आप समय रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइड्रोसेफलस एक खतरनाक बीमारी के रूप में झेलना पड़ता है। दोस्तों हाइड्रोसेफलस अधिकतर बच्चों में देखा जाता है। महिला प्रेग्नेंट रहती है, महिला को जो प्रेगनेंसी होती है तो बच्चों को हाइड्रोसेफलस माँ के गर्भ में भी हो सकता है, माँ के पेट में भी बच्चों को हाइड्रोसेफलस हो सकता है, बच्चों के सिर में पानी बन सकता है और समय रहते इसका इलाज कर लेना चाहिए। हाइड्रोसेफलस में बच्चे के दिमाग में पानी भर जाता है, बच्चों के दिमाग में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको जो कि दोस्तों एक हाइड्रोसेफलस का रूप ले लेता है। यह सेरेब्रल फ्लूड होता है जो दिमाग में भर आता है और इसके दोस्तों आपके माइंड के ऑर्गन्स इसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसके पानी को अब्जॉर्ब नहीं करने की वजह से पानी इकट्ठा होने लगता है। कभी भी किसी भी उम्र में कभी भी किसी को भी हो सकता है और अधिकतर आप कह सकते हैं कि यह अधिकतर बच्चों में होता है। दोस्तों बच्चों को या 2 साल से 3 साल तक या 7-5 दोस्तों किसी भी एज में, किसी भी उम्र में हाइड्रोसेफलस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हाइड्रोसेफलस हो जाने पर, बच्चों के दिमाग में पानी भर जाने पर कुछ अलग तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जिस पहला और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है, बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास नहीं होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला होता चला जाता है, अचानक सोते सोते चौंक जाता है, पेशाब बिस्तर पर निकल आता है। दोस्तों उसकी सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर होती चली जाती है और उसकी सुनने की समस्या भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो आँखों की रोशनी भी धीरे 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 कमज़ोर होती चली जाती है। हाइड्रोसेफलस हो जाने पर बच्चे का तापमान बढ़ सकता है, बच्चे को फीवर हो सकता है, फीवर बहुत ज़्यादा तेज भी हो सकता है। हाइड्रोसेफलस हो जाने पर बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। दोस्तों जिसमें आपको सिर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ दिखता है, आपका सिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बच्चे का सिर एक घड़े के आकार के रूप में ले लेता है, जिस तरह घड़ा होता है इतना बड़ा सिर हो सकता है और सिर देखकर ऐसे लगता है जैसे कि इसमें फट ना जाए। दोस्तों बच्चे के सिर की नसें तक चमकने लगती है, नसें इतनी ज़्यादा खींची जाती हैं कि ऐसे लगता है जैसे फट ना जाए। दोस्तों अगर हाइड्रोसेफलस हो जाता है तब आपको इफेक्टेड होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के और बिना किसी सर्जरी के आप हाइड्रोसेफलस की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए जो होम्योपैथिक चिकित्सक है, होम्योपैथिक चिकित्सक के पास पहुंचकर एक उचित समय पर उचित उपाय और उचित इलाज का आप जरूर प्रबंधन करें और इस तरह से आप अगर उचित ट्रीटमेंट ले लेते हैं तब आपको हाइड्रोसेफलस की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों हाइड्रोसेफलस दोस्तों अधिकतर तेजी से बढ़ने वाला एक रोग होता है जो धीरे 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 कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है और यह आने वाले समय में आपके लिए खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। हाइड्रोसेफलस अगर किसी भी उम्र में कभी भी किसी को भी हो गया है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, विशेषकर बच्चे जो अभी अभी जन्म लिया है और उनको हाइड्रोसेफलस का सामना करना पड़ा है, तब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें SMS कर आप अपनी समस्या हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी समस्या का समाधान आपको बताएंगे, आपको उचित ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन सी इफेक्टेड होम्योपैथी मेडिसिन आपको उस समय यूज़ करनी चाहिए जब आपको हाइड्रोसेफलस हो जाता है। दोस्तों अपने क्लिनिक में मैं कम से कम दोस्तों आपको बता देता हूँ, दोस्तों सैकड़ों ऐसे मरीज जो हाइड्रोसेफलस के शिकार हो चुके थे आज वे पूरी तरह से क्योर हो चुके हैं और बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के दोस्तों एक उचित होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चों को एक स्वस्थ होते हुए देखा जाता है। दोस्तों बच्चों को हाइड्रोसेफलस की समस्या से बहुत जल्द दूर हो जाते हैं और बच्चे स्वस्थ होने लगते हैं। आपको बता देता हूँ दोस्तों हाइड्रोसेफलस हो जाने पर घबराएं नहीं, हाइड्रोसेफलस हो जाने पर आप उचित ट्रीटमेंट जरूर लें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें SMS कर अपनी समस्या हमें जरूर बताएं और आपको एक उचित ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। कोई हाइड्रोसेफलस की समस्या से परेशान है तब आप व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें SMS कर बता दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।